भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। सुख तो वह है कि जिसके बाद कभी दुख नहीं आता है, लाभ वह है जिसके बाद कभी हानि नहीं होती है, आनंद वह है ना जहां सुख है ना जहां दुख है, इनसे ऊपर की स्थिति वह आनंद है। ऐसी आनंद की स्थिति को वंशपूज भगवान ने प्राप्त किया। किसके दम पर प्राप्त किया है? भरोसे के दम पर। आज ये पूजा क्या है? हमारा विश्वास है। ये समर्पण क्या है? हमारा विश्वास है। ये गुरुओं की जय जयकार क्यों करते हैं? हमारा उन पर विश्वास है। ये अर्घ क्यों चढ़ा रहे? हमारा विश्वास है कि इस पे हमको सुख मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, जीवन में कोई भी कार्य करो, किसी भी प्रकार की मेहनत करो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती है, हर मेहनत अपना फल देती है। ये बात अलग है कि वह फल किस रूप में देती है। हो सकता है हम जिस रूप में चाहते हो मेहनत उस रूप में फल ना दे, दूसरे रूप में फल प्रदान कर दे। फल तो जरूर मिलेगा, पुण्य का फल तो मिलता ही मिलता है। जब पाप का फल मिलता है तो पुण्य का भी फल प्राप्त हुआ करता है। एक बात याद रखना, यदि फल है तो इसका मतलब है उस फल का कहीं बीज भी होगा। बिना बीज के फल आता है क्या? पेड़ है तो इसका मतलब उसका कहीं बीज है, फूल है तो उसका भी कहीं ना कहीं बीज है। और मुझे यदि दुख का फल मिल रहा है तो समझना इस दुख का भी कहीं ना कहीं कोई बीज है जो मैंने अपनी आत्मा में बोया है, अपनी जिंदगी में बोया है। सुख मिल रहा है तो इस सुख का भी कहीं ना कहीं कोई बीज जरूर होगा, क्योंकि बिना बीज के फल नहीं होता है और बिना कर्मों के हमको भी सुख दुख की प्राप्ति नहीं। कहीं ना कहीं तो है, ये सोचना पड़ेगा आपको। यदि आपके जीवन में आज खुशी महसूस हो रही है तो ये खुशी यदि महसूस हो रही है, इस खुशी का बीज हमने किसी ना किसी भाव में कहीं ना कहीं बोया होगा, इसलिए तो आनंद मिल रहा है। दुख मिल रहा है, ये दुख के बीज भी हमने कहीं बोए होंगे तभी हमको दुख प्राप्त हो रहा है। कुसंगति मिल रही है, इसका भी बीज कभी बोया होगा हमने, उसकी फसल आज हम काट रहे हैं, ध्यान रखना। लेकिन मजे की बात तो ये है, कर्म करते हुए दिखाई नहीं देते लेकिन कर्मों का फल दिखाई दिया। फल भोगते समय कर्म पता चलते हैं, करते समय कर्म पता नहीं चलते, ध्यान रखना। इसलिए आदमी को अपने जीवन में सत्कर्म पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। आज जो विधान कर रहे हैं, आज जो बाबूजी का परिवार यहाँ पर आया है, आज सूरत से जो श्रावक श्रेष्ठ आकर यहाँ पर पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ये समझना ये धर्म का बीज बोया जा रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल प्राप्त ही होगा। ये बात अलग है कि हम जिस अभिप्सा को लेकर के कर्म करते हैं कि हमें वह प्राप्त हो जाए, वो अभिप्सा भले पूर्ण ना हो लेकिन किसी ना किसी रूप में इस कर्म का फल जरूर प्राप्त हो जाए। एक आदमी था, बैठ जाओ कमलेश, एक आदमी था, उसके मन में आया, समुद्र के किनारे टहल रहा था, घूम रहा था, जा रहा था, उस आदमी के मन में आया कि यार चलो आज समुन्दर पर बोटिंग करते हैं, नाव चलाते हैं। आ गया उसके मन में, उसने कहा कि ठीक है। वह गया समुद्र के पास, नाव उठाई और बोले चलो आज नाव से समुद्र का सैर सपाटा करते, आनंद बटोरते, इन लहरों का आनंद देखते हैं। और जाकर के वह उसमें बैठ गया। जैसे ही नाव आगे बढ़ी लहरों के हिचकोले खाते हुए, जोले खाते हुए नाव आगे बढ़ते जा रही है, क्या देखता है थोड़ी देर में, जैसे समुद्र के आगे पहुंचा और आगे पहुंचा और एक आध किलोमीटर दूर पहुंच गया, नाव चलाते चलाते समुद्र में तूफान आ गया जोरों से। अब जैसे ही तूफान आया, आप भी कहते हो ना कि महाराज बहुत से काम करते हैं, कई बार काम करो, करते करते लास्ट में कचरा
हो जाता, हमारा काम बिगड़ जाता है, सोचा हुआ हमारा सब बेकार हो जाता, हमारे काम में बाधा खड़ी हो जाती है, अंतराय आ जाता है। वह भी आनंद के लिए गया था, अचानक तूफान आ गया, क्या करे अब, समुन्द्र में तूफान है, नदी नालों का तूफान हो तो किनारा जल्दी मिल जाए, समुन्द्र में कहां किनारा मिलेगा। नाव चलाते जा रहा तूफान आया, नाव डगमगाई, लहरों में उलझ गई। उसने क्या किया, एक लाइफ जैकेट होती है, फट से नाव में से निकाली और पहन ली और कूद गया समुद्र में। अब उस जैकेट पहनने के बाद डूब तो सकता नहीं है, तूफान में हिचकोले खा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, चला जा रहा, बहते जा रहा, बहते जा रहा है। बहते बहते क्या हुआ, वो एक टापू पर पहुंच गया। धीरे धीरे बहते बहते एक टीला बना हुआ था, एक टापू बना हुआ था, वहां पर पहुंच गया। जाकर के उसने देखा कि अरे मुझे तो समुंदर के बीच में किनारा मिल गया। बड़ा खुश हुआ, उसने भगवान की तरफ देखा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, वरना समुंदर में कूदा हुआ कभी कोई बचता है क्या इंसान, अथाह जल राशि है। भगवान को धन्यवाद दिया, भरोसा है मेरा तुझ पर, तू मुझे निकाल लेगा, तू मुझे उबार लेगा, तू मेरी नैया किनारे लगा देगा। बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। एक दिन हो गए, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, क्या खाए, उस टापू पर जो फल वगैरह लगे थे वो खा लेता था। उसने कहा भगवान तूने मुझे यहां फल की व्यवस्था भी कर दी, लेकिन एक दिन, दो दिन, तीन दिन, कितने दिन रहेगा उस टापू पर, वहां तो कोई ना आता है और ना जाता है, अकेला बैठा है, दिन भर समुंदर को देखते रहता है, करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं, भयानक लगने लगा उसे रहते रहते। उसने कहा भगवान अब मैं इतना बड़ा समुद्र तैर के भी नहीं जा सकता हूं, टापू तो समुंदर के बीच में था, जाऊंगा कैसे, मैं कहां जाऊंगा। घबरा गया, आदमी की जिंदगी भी कभी कभी ऐसे मोड़ पर चली जाती है, उसे चारों तरफ से रास्ता दिखाई नहीं देता है, मन बेचैन हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, मन में उथल पुथल मच जाती है, अब मैं करूं तो क्या करूं, जीऊं या मरूं, कुछ समझ नहीं आता है। वह आदमी बड़ा सोच में पड़ गया, क्या किया जाए। फिर भी उसने भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा, ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा, हे भगवान यदि तूने मुझे बचाया है तो इसमें मेरा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, मैं जैसे भी मेहनत करके जैसे भी इस टापू के किनारे आया हूं, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मेरा पुरुषार्थ। एक बात ध्यान रखना, भगवान पर भरोसा करो या ना करो, आदमी को अपनी मेहनत पे भरोसा जरूर करना चाहिए। यदि मेहनत पे भरोसा है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, पुरुषार्थ कभी बेकार नहीं जाता है, सत्कर्म कभी बेकार नहीं जाते हैं। उस आदमी ने कहा मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, किसी की कृपा पे भरोसा हो या ना हो, वह मेहनत पे भरोसा करते करते वहां रह रहा। उसने कहा यार ऐसे खुले आसमान के नीचे मैं कब तक पड़ा रहूंगा। क्या किया उसने, वहां की घास फूस को लिया, टीले की लकड़ियों को इकट्ठा किया, और उस आदमी ने क्या किया, एक झोपड़ी बना ली कि अब जब जो होगा होगा, भगवान मुझे फल फूल तो खाने को दे ही रहा है, आराम से चलो इसी झोपड़ी में रहते हैं, मरना नहीं है, जीना है। उस आदमी ने झोपड़ी का निर्माण किया, चलो आज की रात बड़े अच्छे से झोपड़ी में कटेगी, आज की रात चैन से सो जाऊंगा झोपड़ी के अंदर। हुआ क्या, जैसे ही झोपड़ी बनाकर उसमें रहने जा रहा था, बिजली चमकी, पानी गिरा और बिजली आकर के झोपड़ी पर गिर गई। जैसे ही झोपड़ी पर गिरी, झोपड़ी धू धू करके जलने लगी। उसने कहा वाह भगवान, जैसे तैसे किनारा दिया, अब मैंने यहां रहने का मन बनाया तो तूने मेरे झोपड़े में आग लगा दी। फिर भी उसने कहा कुछ तो अच्छा ही होगा, झोपड़ी जल गई तो जल गई, कुछ तो अच्छा होगा, भगवान की तरफ देखा। लेकिन मनुष्य का मन है थोड़ा सा विचलित हो गया, कितनी मेहनत से झोपड़ी बनाई, और हमने सुना था कि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं होता, आज तो मेरी झोपड़ी ही जल गई,
इतना सोच रहा है, पहली बार उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देख करके हाथ को फैलाया कि परमात्मा मेरे जीवन की इतनी बड़ी परीक्षा मत ले, मेरा तुझ पर बहुत विश्वास है। वह प्रार्थना ही कर रहा था कि पीछे से आवाज आई किसी आदमी की। उसने कहा कि ए भाई जल्दी आ, हम तुझे जहाज में लेने आए हैं। उसने कहा मुझे लेने आए, कौन हो तुम, मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं पहचानता हूं, तुम मुझे कैसे लेने आए हो। बोले हम समुद्र के किनारे, हमारा जहाज जा रहा था, लेकिन हमने देखा कि इस टापू पर, इस टीले पर आग की लपटें उठ रही हैं। तो हमने सोचा कि टापू पर आग कहां से आई, आग की लपटें उठ रही, इसका मतलब हमने यही विचार किया कि कोई हमें इशारा कर रहा है कि हम यहां फंसे हैं, आओ और हमें निकाल करके ले जा। हम आग की लपटों को देख करके आ गए, ये धू धू करके जो धुआं उठ रहा है, यह सोच करके हम यहां आ गए, हम जहाज लेकर आए हैं, आओ और हमारे जहाज में बैठो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। उस आदमी ने परमात्मा की तरफ देखा और कहा हे परमात्मा, आज समझ में आया कि हर श्वास में तेरा विश्वास होना चाहिए, यदि विश्वास है तो हमारे जीवन के सब कार्य संपन्न हो जाया कर। पहले तो सोच रहा था कि तूने मेरी झोपड़ी जला दी, और अब सोच रहा है कि तू झोपड़ी नहीं जलाता तो कोई मुझे किनारे ले जाने वाला भी नहीं होता। इसलिए तो कहा जाता है मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, और कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल, कांटों में भी फूल खिल जाया करते हैं, लेकिन हमारे अंदर धैर्य नहीं है, हमारे अंदर साहस नहीं है, हमारे अंदर अधीरता मौजूद है। हम चाहते हैं कि आज ही कर्म करें और आज ही फल की प्राप्ति हो जाए, नहीं, वक्त लगता है, धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, और माली सींचे सौ घड़ा रुत आवे फल। यदि कोई माली किसी पेड़ में सौ घड़े पानी डाल दे तो क्या फल आ जाएंगे? फल तो उसके मौसम पर ही आते हैं, उसकी ऋतु पर ही आया करते हैं। तो हम जो भी कार्य अपने जीवन में करते हैं, ध्यान रखना ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, इस बात पर विश्वास रखो, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इस बात पर विश्वास रखिए। मेहनत क्यों बेकार जाएगी? आप आए हैं, मेहनत करके आए हैं, पूजन करने के लिए आए हैं, अपने द्रव्य का आपने दान दिया है, अपने आप को पुण्य में लगाने का अवसर प्राप्त किया है, व्यापार बिजनेस सब नजर अंदाज करके बोले चलो आज हमारी तरफ से विधान है, आज घर परिवार छोड़कर जिन शरणम में हमें जाना है, भगवान की पूजा करना है, भगवान की, ये क्या है? ये श्रद्धा है, ये मेहनत है, ये भक्ति है। तो ध्यान रखना ये भक्ति रंग जरूर लाया करती है। क्या नहीं है हमारे पास? सब कुछ तो है, किस चीज की कमी है? कमियों पर दृष्टि रखोगे तो कभी पूर्ति नहीं होगी, और जो मिला है उस पर दृष्टि रखो तो लगेगा हमसे ज्यादा सुखी संसार में कोई और नहीं हो सकता है। क्या करना है? इतना सब कुछ करके लास्ट में ध्यान रखना, कितने भी झगड़े हो जाएं, विवाद हो जाए, लड़ाई हो जाए, विद्वेष हो जाए, आखिरी में आदमी को कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। पति पत्नी में झगड़े हो जाए, लास्ट में क्या फैसला देगी अदालत? तुम लोग आपस में समझ लो, आपस में सुलझा लो, समझौता करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, बाप बेटे में विवाद हो जाए, मां बेटे में विवाद हो जाए, सास बहू में विवाद हो जाए, किसी से भी लड़कर देख लेना उस लड़ाई का अंत किससे होता है। लड़ाई का अंत समझौते से हुआ करता है कि समझौता कर लीजिए, बैठ लीजिए, अपनी बात तुम बोल लो, तुम्हारी बातें हम बोल लें, दोनों की गलत फहमियां दूर हो जाए, फिर से मन हमारा पवित्र हो जाए। पवित्रता, ध्यान रखना, जब हर चीज का हमें समझौता ही करना है तो फिर शुरू से ही समझौता करके क्यों नहीं जिया करते हैं? जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा।